भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे तो कई विवाद सामने आए जिसने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन साल 2019 में भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा विवाद सामने आया जिसने आम से लेकर खास तक सभी को हिलाकर रख दिया था। और ये विवाद था पावर स्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बीच। जब इन दोनों का विवाद बढ़ा तो अक्षरा ने मीडिया के सामने पवन से जुड़े कई खुलासे किए थे। अक्षरा ने स्वीकार किया था कि पवन सिंह के साथ उनका अफेयर चल रहा था और अक्षरा ने ये भी बताया कि अनबन के बाद पवन सिंह ने उनके गानों को रिलीज नहीं होने दिया था। जिया न्यूज इंडिया की खबर के मुताबिक अक्षरा ने बताया, पवन सिंह की शादी के वक्त मुझे कुछ नहीं बताया गया और कमरे में बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, हमारे बीच लड़ाई हुई तो पवन सिंह ने मेरे गाने रिलीज होने पर रोक लगवा दी। साथ ही कलाकारों और टेक्नीशियन को भी मेरे साथ काम करने से मना कर दिया गया। अक्षरा ने आगे बताया, वो दौर जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, जब मैं एक कंधे पे आपको टांग के एक लड़की होने के बाद भी एक कंधे पे टांगती थी और एक हाथ से आपका बैग ढोती थी और एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट दौड़ के भागती थी, तो मैं वो समय भी कर सकती थी आपके साथ अगर मुझे गलत करना रहता। तो जब आप ना एकदम गिर जाते थे ना एयरपोर्ट पे, जमीन पे लेट जाते थे, उस समय अक्षरा सिंह ही इधर से उधर लेके आपको गोद में भागती थी। क्यों? क्योंकि आपका नाम कहीं से बदनाम ना हो जाए, आपका नाम लोग गलत वे में ना बोलें। अक्षरा ने पवन सिंह के खिलाफ मुंबई के मलाड स्थित मालवानी पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई थी। हालांकि अक्षरा सिंह के इस आरोपों पर पवन सिंह ने अपनी चुप्पी ही साधी और मीडिया के आगे आकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं इस विवाद में भोजपुरी के स्टार्स ने मिला जुला रिस्पॉन्स ही दिया। आपको बता दें कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह लंबे समय तक भोजपुरी फिल्मों की सफलता की गारंटी थे। दोनों ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थी। ऑडियंस दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद करती रही। दोनों के रोमांस के चर्चे भी खूब चले। दोनों की शादी को लेकर भी कयास लगाए जाते रहे, लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि पवन सिंह की शादी किसी और से हो रही है, जिसके बाद अक्षरा और पवन के रिश्ते खराब होते चले गए। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।